सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम 6 महीने 1 साल तक स्टॉक को खरीद के रख सकते हो, जिससे आपका आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेगा। आज सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, जैसे मैं हर एक स्टॉक्स में छोटा छोटा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को सेल करते नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। अगर आपने किसी भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स को खरीद के रखा है तो उसको होल्ड कैसे करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसको होल्ड कैसे करना है। अभी तक आपने सिर्फ देखा होगा कि स्टॉक को बाय करना है और सेल करना है, लेकिन उसको होल्ड कैसे करना है ये आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एंजल वन का पोर्टफोलियो यहाँ पे मैंने अभी ओपन करके रखा है। आपका डीमैट अकाउंट ग्रो पे होगा, अपस्टॉक पे होगा, जीरोधा पे होगा, किसी पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो उसको होल्ड कैसे करना है, सिंपली ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाटा मोटर्स के मैंने 100 शेयर खरीद के रखे 888 इस प्राइस से मैंने खरीद के रखा है। अभी जो प्राइस चालू है LTP करंट हमारा जो प्राइस चालू है स्टॉक का 1007 रुपीज़ का, और मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है 11,947 रुपये का। तो ये स्टॉक मैंने लगभग कब से होल्ड करके रखा है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस स्टॉक पे और नीचे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, होल्डिंग ब्रेकअप्स यहाँ पे मेरा दिख रहा है, मतलब कब से मैंने ये स्टॉक को होल्ड करके रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2023 से। अभी आप यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था 4 सितंबर 2023 में 19 शेयर मैंने खरीदा था टाटा मोटर्स के 610 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 11,602 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद मैंने 28 दिसंबर को और 6 शेयर खरीदे, उसके बाद मैंने और 5 शेयर को खरीदा 2 फरवरी को, फिर 26 फरवरी 2024 को मैंने और 5 शेयर खरीदा, 27 फरवरी को और 5 शेयर खरीदा, मार्च मंथ में मैंने और 20 शेयर को खरीदा 2024 में, और अभी आप देखोगे तो इस मंथ में अप्रैल मंथ में मैंने 10 शेयर 15 अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल को मैंने 30 शेयर खरीदे। अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग क्वांटिटी मैंने खरीदी है अलग अलग रेट पे, तो इससे मेरा स्टॉक एवरेज हुआ है। और मैंने स्टॉक को अभी तक सेल नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो ये कब तक मैं होल्ड रखूँ इसको डिपेंड्स कि आपको अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस आता हो, चार्ट रीडिंग आता हो, आपको पता हो लेवल्स कि ये स्टॉक कब तक जा सकता है, कितने प्राइस तक जा सकता है, तब तक आप इस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो, या आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है, मैंने टाटा पावर 325 पे लिया है और 449 अभी ये चल रहा है, इसमें 5,320 का प्रॉफिट चालू है, फिर भी मैंने ये स्टॉक को अभी तक सेल नहीं किया, मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। तो ये होता है स्टॉक्स को होल्ड करना, मतलब आज आपने किसी भी स्टॉक को ख़रीदा, आप उसको एक दिन रखिए अपने पोर्टफोलियो में, 2 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, 15 दिन रखिए, जितने दिन आप रखना चाहते हो उतने दिन आप रख सकते हो, उतने दिन तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। आप आज लो कल बेचो, आज लो आज बेचो, या कभी भी बेचो, अगर आप एक दिन से ज़्यादा स्टॉक को होल्ड करते हो तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी होल्डिंग, आप अपने स्टॉक को होल्ड करते हो। तो ये प्रोसेस से आप किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। बहुत नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि स्टॉक को होल्ड कैसे करना है, सिंपली आपको स्टॉक को खरीद के रखना अपने पोर्टफोलियो में, उसको कितने भी दिन के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम 6 महीने 1 साल तक स्टॉक को खरीद के रख सकते हो, जिससे आपका आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेगा। आज सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, जैसे मैं हर एक स्टॉक्स में छोटा छोटा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को सेल करते नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने स्टॉक्स को होल्ड रख के अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो हमारा लगभग अभी इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है, 2,31,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और मुझे जो टोटल इस पे ओवरऑल गेन दिख रहा है 14% का, 34,530 रुपीज़ का। तो टोटल हमारा कैपिटल कितना बन चुका है, 2,66,000 का। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है, ये पॉसिबल हुआ स्टॉक को होल्ड करके, स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करके। तो आप भी ये प्रोसेस को फॉलो करके अपने स्टॉक को होल्ड करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके भी बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे इस चैनल पर। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।